हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार हूँ। मैं नोबल हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चेस्ट मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जो कि बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैलता जा रहा है और ये आशंका है कि आगे और भी ज़्यादा तेज़ी से हमारे देश में पैर पसार सकता है। तो इसको हमें कैसे बचना है, इसके क्या लक्षण होते हैं और अगर किसी को कोई लक्षण दिखाई देता है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले, कोरोना वायरस एक नया तरह का वायरस है जो कि चाइना में सबसे पहले फैला और उसके बाद 150 से ज़्यादा देशों में ये फैल चुका है और अब लगभग दुनिया का हर देश इसकी चपेट में है। ये वायरस मेनली, जैसे हमें मौसम के साथ सर्दी खांसी जुकाम होता है, ये इसके लक्षण कुछ कुछ वैसे ही मिलते जुलते होते हैं। इसमें लगभग सारे मरीजों में बुखार की शिकायत देखी जाती है और बुखार के साथ साथ खांसी, जुकाम, गला खराब होना, गले में खारिश होना, छाती में टाइटनेस होना, थकावट लगना, वीकनेस आना, ये सब इस बीमारी के मेनली लक्षण होते हैं। इसीलिए जब भी किसी मरीज को ये सब लक्षण दिखाई दे तो हमें उसको एक चेस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट या फिजिशियन को तुरंत दिखाना चाहिए। कुछ मरीजों में सांस की दिक्कत भी हो सकती है, जिन्हें कि अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उन मरीजों को हमें अस्पताल में दाखिल करके आइसोलेशन में रख के इलाज करवाना चाहिए। ये इस बीमारी के मुख्यतः लक्षण हैं। इस बीमारी का कोई कारगर इलाज बहुत ज़्यादा अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी 90% से ज़्यादा मरीज ठीक हो जाते हैं। अस्पताल की जो सर्विसेज होती हैं, मेडिकल सपोर्ट होती है, ऑक्सीजन होती है, वेंटिलेटर होता है, उससे 90% से ज़्यादा मरीज ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए जब किसी को अगर ये इन्फेक्शन हो भी जाता है तो भी हमें कोई डरने की, पैनिक करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए, हम कैसे सारे देश में फैलने से इस बीमारी को रोक सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे एफर्ट कर रही है कि भी किसी भी तरह से इस वायरस को हमारे देश में फैलने से रोक लिया जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सब लोग आइसोलेशन में रहें। आइसोलेशन का मतलब है कि जो जहाँ पे है अपने घर में है, घर में रहे। कोई बहुत ही ज़रूरी इमरजेंसी वाला काम है तभी अपने घर से बाहर जाए, अपने काम पर जाए। तो मेरी आप सब लोगों से ये सलाह है कि भाई कम से कम ट्रैवल करें, कम से कम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कि अननोन लोग आके गए हों और कोई अपना इन्फेक्शन छोड़ के गए हों। हम अपने आप को कहीं पे भी हम जाते हैं ऐसी जगह पे या ऐसे लोगों से मिलते हैं, किसी से हाथ मिलाया है या कोई और चीज़ें हमने टच करी है, उसके बाद हमें अब तुरंत ही कोशिश करनी है कि साबुन से अच्छे से हाथ धो लें। और अगर उसी टाइम पे साबुन से हाथ धोने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपल हैंड सैनिटाइज़र या अल्कोहल या स्प्रिट से अपने हाथों को धो सकते हैं। जैसे ये एक सिंपल सैनिटाइज़र है, अभी भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, हम सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसा मरीज है जिससे उनकी खांसी है, जुकाम है या उसको बुखार आ रहा है, उससे हमें कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है और मरीज के लिए भी और खुद के लिए भी आइसोलेशन मास्क यूज करने हैं। जैसे कि ये एक सर्जिकल मास्क होता है, आइसोलेशन मास्क इसको हम बोलते हैं, सर्जिकल मास्क भी बोलते हैं। ये हम सब इजीली अवेलेबल है, काफ़ी कम रेट पे अवेलेबल है। सरकार ने इसकी जो रेट्स हैं वो भी डिसाइड कर दिए हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा रिस्क है कि कोई हमारे आसपास की सोसाइटी में, कॉलोनी में कोई भी पॉजिटिव केस है, तो हम और भी अच्छी तरह के मास्क, जैसे कि ये एक N95 मास्क है, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये मास्क कम से कम 1 से 2 हफ्ता अगर अच्छी तरह से यूज करें तो चल जाता है और आसानी से यूज किया जा सकता है। अगर हम ये प्रिकॉशंस रखेंगे तो हम अपने सोसाइटी में, हम अपने देश में इस गंभीर बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये जो सब बातें मैंने आपको बताई, इसके साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस बीमारी को की गंभीरता को समझते हुए ये सब सावधानियाँ बरतेंगे और अपने चारों तरफ के लोगों को इस बीमारी को फैलने से बचाएंगे और खुद की भी सुरक्षा करेंगे।